नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज मिर्जापुर जिले के 96 ब्लॉक अंतर्गत मोहोखर गांव में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश भूपेंद्र चौधरी का आगमन हुआ। इस मौके पर भूपेंद्र चौधरी ने नवनिर्मित पंचायत भवन, शौचालय, रसोईया एवं प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में लग रहे मटेरियल के गुणवत्ता का जांच किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि सरकार के 100 दिन की कार्य योजना के तहत आज मैं यहां पहुंचा हूं। सरकार की तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। जनता की भलाई के लिए और लोगों की बिजली की समस्या को देखते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने 24 घंटे बिजली देने का आदेश जारी किया है और जल्द ही बिजली व्यवस्था सुधार की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय विभाग से प्रशिक्षण का वर्ग, जिलों के प्रशिक्षण वर्ग पार्टी की ओर से लगे हैं कार्यकर्ता। उसके अलावा विभाग की बैठक, जो विभागीय कार्य हैं, जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे की चर्चा सामूहिक रूप से मंडल की पूरे, इसमें तीनों जिलों के अधिकारी, विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। और जो काम हम लोगों को 100 दिन में माने मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरा करना हमने चिन्हित किया, उसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। और आज इस गांव में पंचायत भवन का, सामुदायिक शौचालय का, प्राइमरी स्कूल का मैंने निरीक्षण किया है। और प्रदेश के सरकार के माने मुख्यमंत्री जो अपेक्षा है कि गाँव में एक जन सुविधा केंद्र खोले जाएं। हम लोगों ने अभी पंचायत सहायकों की भर्ती की है। गाँव की आवश्यकता, गाँव की समस्याओं का निराकरण गांव में हो। लोग गांव के अपने जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और जो भी सुविधाएं हैं, चाहे पेंशन से संबंधित विषय हो या लाभार्थियों की सूची है, वो गांव में उपलब्ध हो। ऐसा कार्यालय पंचायत भवन के रूप में एक विकसित सरकार ने किया है। मैंने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने उसका निरीक्षण किया है। और एक बहुत होनहार लड़की MBA पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति हुई है। सर, आपके द्वारा निरीक्षण किया गया पंचायत भवन का, निरीक्षण में क्या पाया गया आपके द्वारा? जी, निरीक्षण में पंचायत भवन पुराना है, 2 कक्षों का, छोटा है थोड़ा, लेकिन अब हम लोग उस पर कुछ कार्य योजना बनाकर आगे काम करेंगे। ग्राम सभा छोटी है, उसकी जो अनुदान आते हैं राज्य वित्त आयोग से, 15 वित्त आयोग से, उसकी धनराशि भी कम है, तो उसको बढ़ाकर कुछ गाँव के विकास के लिए, ठोस विकास के लिए काम कार्य योजना बनाकर काम करें। सर, मिर्जापुर जनपद में बिजली की समस्या इस समय काफ़ी बिगट है, तो इसके लिए सर क्या करना चाहेंगे, क्या उपाय चल रहा है सर सरकार की तरफ से? बिजली का तो वितरण में सरकार ने बहुत पारदर्शी और बेहतर व्यवस्था लाई, मनमानी कटौती चल रही है। लेकिन आपने कहा कि इस तरह की कोई बात, तो मैं संबंधित अधिकारी जी सर, CM योगी जी ने आदेश दिया हुआ कि 24 घंटे बिजली दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग, आपने मुझसे कहा, मैं इसकी जानकारी करके और 24 घंटे बिजली सुनिश्चित हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश, उसे पालन कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।